एक किसान था जो अपनी बीवी और छोटे बच्चे के साथ अपने खेत के पास एक छोटे से घर में रहता था। दिन भर खेत पे मेहनत करने के बाद जब वो थका हारा घर आता तो बीवी के मुस्कुराते चेहरे को देख और अपने बच्चे की किलकारियों को सुनकर फिर से उत्साहित हो जाता। एक दिन जब वो खेत से वापस आया तो उसने कहा, अरे देखो तो, मैं खेत से क्या लाया हूँ। क्या लाए हो, हम भी तो देखे जरा। जब वह बाहर आई बच्चे के साथ तो एकदम से चौंक गई, बोली, हाय ये क्या है, हम इसका क्या करेंगे, कहाँ मिला ये आपको, कहाँ रखेंगे इसे। हाँ हाँ, कितने सवाल पूछोगी, देखते हैं, मिलकर सोचते हैं क्या कर सकते हैं। छोटा सा नेवले का बच्चा है, बड़ा प्यारा लगा मुझे, सोचा अपने छोटू के साथ पाल लेंगे, उसका दोस्त बनेगा, साथी बनेगा, भाई ही कह लो। वो सब तो ठीक है, पर ये रहेगा कहाँ, कहाँ रखेंगे इसे। अपने सामने वाले कमरे में रह जाएगा, उसे छोटू के साथ सिखाएंगे तो सीख जाएगा। तुम बिना चिंता किए छोटू के साथ उसे प्यार देती जाओ, जो भी अच्छी बात सिखाने का मन करे दोनों को ही सिखाती जाओ, देखते हैं थोड़ी दिन कैसे चलता है। बीवी मन में थोड़ी डरी सी थी पर अपने पति की बात पर विश्वास करने को तैयार हो गई। कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते, होते होते एक साल भी चला गया। छोटा नेवला गबरू अब आकार में पूरा बड़ा दिखाई देने लगा और किसान के परिवार का एक अटूट हिस्सा भी बन गया था। वह किसान के बेटे छोटू से भी अच्छी तरह से घुल मिल गया, दोनों में काफी अच्छा लगाव हो गया था। दोनों साथ खेलते, खाते पीते और फिर एक साथ सोने भी लगे थे। किसान की पत्नी का डर भी शांत हो गया था और उसने गबरू को दिल से अपना लिया था, इतना कि अब वो कभी कभी छोटू को घर पे गबरू के भरोसे छोड़कर बाहर जाने लगी थी, कभी खेत पर तो कभी बाजार हो आती। एक दिन ऐसे ही उसे कहीं जरूरी काम से जाना था, वह सुबह से सारा काम निपटाने में लग गई। उसने किसान से कहा कि उसे एक जाना होगा तो वह भी बोला, कोई बात नहीं, तुम अपने गबरू को समझा देना कि उसे छोटू का ख्याल रखना होगा और फिर जाकर आना। पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, दोनों बच्चों को खिलाया और फिर तैयार होते होते गबरू से बोली, गबरू बेटा, मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम अपने छोटू का ख्याल रखना, ठीक है। गबरू ने ध्यान से माँ की बातें सुनी और तुरंत ही छोटे के पास जाकर बैठ गया। पत्नी गबरू की तरफ देखकर प्यार से मुस्काई और उसके सर को प्यार से सहलाकर अपने काम के लिए निकल पड़ी। उसने घर को ताला लगाया और जल्दी जल्दी चलने लगी ताकि जल्द ही वापस आ सके। यहाँ गबरू छोटे को तरह तरह की हरकतें करके दिखाने लगा। थोड़ी ही देर में छोटू हंसते हंसते थककर सो गया, गबरू भी शांति से उसके पास बैठ गया। उसकी भी आंख लगने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि कमरे की खुली खिड़की से एक सांप चुपचाप अंदर आ रहा था। गबरू झट से उठकर उस पे झपट पड़ा। सांप भी कोई साधारण सांप ना होकर एक नाग था। वह भी अपना फन निकालकर गबरू को डसने की कोशिश करने लगा। गबरू बड़ी होशियारी से उसके वार से बचता रहा। उसकी फुटकार से बचते बचते वह उसको अलग अलग जगह पे काटता रहा। जब कभी नाग छोटू की तरफ बढ़ने लगता, गबरू उसे अपने नुकीले दांतों से दबोचकर पीछे खींचता। इस तरह काफी देर तक जूझने के बाद गबरू ने नाग को लहूलुहान कर दिया, इतना कि वह धीरे धीरे सुस्त होने लगा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। छोटू अभी भी शांति से सो रहा था। गबरू भी खुश होकर माँ के आने का इंतजार करने लगा ताकि वह उसे अपनी बहादुरी का प्रमाण, वह मरा हुआ नाग दिखाकर अभिमान बढ़ा सके। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि नाग को काटते काटते उसका मुंह लहू से भर गया है, लाल लाल हो गया है। सिर्फ उसे मार गिराने की वजह से वह बहुत खुश था और इसी खुशी में वह छोटू को प्यार से देखते हुए उसके पास बैठ गया।
थोड़ी ही देर में उसे घर का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी। वो लपक कर उठा और दौड़ते हुए दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला और माँ ने उसे देखा, वो चिल्ला पड़ी, अरे ये क्या हुआ? क्या किया तूने छोटू के साथ? मैंने तुम्हें उसके भाई की तरह पाला, कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया और तूने मुझे ये दिन दिखाया। मैं उसे तेरे भरोसे छोड़कर गई थी। बेचारा गबरू माँ का यह रूप देखकर बहुत घबरा गया, पर बेजुबान जानवर और करता भी क्या, चुपचाप मार सहता रहा। आखिर माँ बोली, दूर हो जा मेरी नजरों से, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना मुझे, कभी इस घर में कदम मत रखना। गबरू ने कोशिश की कि माँ को अंदर के कमरे में ले जाए, पर माँ फिर चिल्लाई, अब फिर वहाँ क्या करने जा रहा है, चल निकल यहाँ से। आखिर गबरू हारा हुआ घर से बाहर चला गया। एक दो बार उसने पीछे मुड़कर भी देखा कि कहीं माँ का विचार बदल गया हो तो वह उसे सच्ची बात दिखा सके, पर माँ का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वह निराश होकर घर से दूर चला गया। तभी माँ को छोटू के रोने की आवाज आई, उसके हाथ से लकड़ी छूटकर नीचे गिर गई और वह भागती हुई अंदर के कमरे में गई। वहां का नजारा देखते ही उसे पता चला कि असलियत क्या थी, क्या हुआ था वहां। वह दर्द से रो पड़ी, बिलकती हुई दरवाजे से बाहर भागी कि कहीं गबरू रुका हो तो उसे वापस घर ले आए। पर गबरू ने फिर एक बार माँ की आज्ञा का पालन किया था, वह घर के आसपास कहीं नहीं था। ये बात वह माँ कभी भुला नहीं पाई कि उसने जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो वो जिंदगी में कभी सुधार नहीं पाएगी। तो बच्चों, पूरी बात जाने बिना कभी अपना मत नहीं बनाना या प्रतिक्रिया मत देना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।